अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज के साथ। और हमारे मेहमान भी आएंगे आज, छोटे बच्चे आएंगे जो मार्शमेलो वाली रेसिपी है कैंडीलैंड के पफ्स की, वो बनाना सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है जी, ओके। आज हम क्या बना रहे हैं? हम चिकन पास्ता बना रहे हैं और हम पहले मामलेट ब्रेड पुडिंग बना रहे हैं। ब्रेड पुडिंग बहुत तरीक़ों से बनाना सिखा चुके हैं, मामलेट के साथ कैसे बनाते हैं। मामलेट इज़ वेरी मच इन विंटर, तो हमेशा सब लोग खाते ही हैं, मामलेट बनाते भी हैं। ऑरेंज सीजन में है, तो अगर घर की मामलेट बनी हुई हो उससे करिएगा, बाहर से खरीदनी है उससे खरीदिएगा। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़ारनक ने आज क्या पहना है, तो आज मैंने जो कपड़े पहने हैं आप लोगों को भी मिल सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ बाय ब्रांड कॉल शीरो, और हमारे शो पे दो हैं टू गिव अवे। अगर आपको इस तरह की कुर्तियाँ चाहिए, दे हैव अ शॉप इन जमजमा, बहुत कंफर्टेबल है और गर्म भी है। आपको लगेगा कि शॉर्ट स्लीव्स अभी मैंने पहनी है सर्दी में, लेकिन इट्स क्वाइट वार्म एंड कंफर्टेबल एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं। इनके पेज पे भी आप जाके देख सकते हैं, आई थिंक इट्स shirogroup.com। और 30% आपको ऑफ मिलेगा अगर आप मसाला टीवी या फूड डायरीज का शो मेंशन करेंगे इनके शॉप पे जाके। ओके, चलिए सवाल हमने रखना है, राइट? सो अगर आपको जीतना है शीरो ग्रुप की तरफ से ये दो शर्ट्स और डिलक्स पिज्ज़ा पैन एनिक्स की तरफ से, तो आपने मुझे जल्दी से बताना है ब्रेड से बनने वाली कोई रेसिपी सोचिए। ठीक है, ब्रेड से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं सोचिएगा ज़रा। ब्रेड से बहुत बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सो सोचिए और मैसेज करिए 888 पे, यानी 8881 इस नंबर पे एसएमएस करना है फ़ोन से आपने। ठीक है, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। सो यहाँ चिकन पास्ता के लिए मैं पास्ता बॉईल कर रही हूँ पानी और नमक के साथ। ये देखें, ये वाला पेने पास्ता है, ठीक है, ये बॉईल हो रहा है। अब जब ये हो जाएगा तो इसको हम निकाल देंगे पानी में से, ठंडा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा और तेल डाल देंगे ताकि ये चिपके ना। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मुझे ब्रेड के स्लाइसिस को बटर लगाना है और मामलेट लगाना है। सो फॉर दैट आप पूरे साबुत रख दीजिए या आप बीच में से काट दीजिए इस तरह, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, हाउ एवर यू वॉन्ट टू प्लेस द ब्रेड इन। ठीक है, मैंने इस तरह पहले से ही कर दिया था। मक्खन थोड़ा सा नरम होना चाहिए, आप मक्खन और मामलेट या जैम अगर आपको यूज़ करनी हो, सो यूज़ इट लिबरली, यानी ज़्यादा अच्छा लगाइएगा। और फिर हम इसको लेयर करेंगे, फिर इसके ऊपर ये सारी दूसरी चीज़ें डालेंगे और थोड़े घंटे के लिए ब्रेड पुडिंग को तो क्लिंग लगा के फ्रिज में हम रख देते हैं, फिर उसके बाद हम उसको करते हैं बेक। लेकिन यहाँ तो थोड़े घंटों का टाइम नहीं है, सो हम इसको फौरन ही झटपट ही रखते जाएंगे और करते जाएंगे। ये मामलेट है, ऑरेंज मामलेट है, नींबू की भी मामलेट मिलती है, ठीक है, लाइम एंड लेमन की भी मिलती है। सो अगर आपको जो भी आपको वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज, ये आप इस तरह ट्राइंगल्स बना के ओवरलैप करके इस तरह रखते जाइए लाइक दिस। मामलेट नहीं पसंद नहीं डालिएगा, लेकिन दिस इज़ अ वेरी नाइस रेसिपी, सो ज़रूर इसी तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा। बची हुई ब्रेड हो उससे बेस्ट ब्रेड पुडिंग बन जाता है, मीठा बनेगा ये। सो जितनी आप चीनी खाते हैं ज़रा कम डालिएगा, इसलिए कि मामलेट इज़ वेरी वेरी स्वीट। लिबरली लगाइएगा, अच्छा अच्छा भर भर के। जितना ब्रेड सोक्ड हुआ होगा, जितना टाइम इसको मिलेगा सोक होने में, उतना ही बेहतर ये ब्रेड पुडिंग बनेगा। सो डू ट्राई इट आउट एट होम और मुझे बताइएगा। ठीक है, आपने इसको इस तरह रखना है और नेक्स्ट बैच हम यहाँ साइड में लगाना शुरू कर देंगे।
अंडे हैं मेरे पास, अंडे की जर्दियाँ हैं, दूध है और थोड़ी सी चीनी है, ब्राउन शुगर ऊपर से जाएगी एंड वील जस्ट पुट ऑल ऑफ दिस टू बेक। ठीक है, ब्रेड बटर एंड मार्मलेड, बस ये लास्ट, जल्दी से इसको भी हम लगा देते हैं। पीला वाला मक्खन ले लें, फीका अनसॉल्टेड ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनीथिंग यू लाइक। चलिए ये इस तरह, ठीक है, सारे ब्रेड के स्लाइसेस को आपने इस तरह रख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप, दूध है मेरे पास जिसमें हम अंडे डालेंगे सब कुछ मिक्स करके, ठीक है। ये चार अंडे हैं और दो जर्दियां हैं, सो ये बीट कर दीजिए। अच्छा, किशमिश है, कोई नट्स डालना चाहे नट्स भी डाल सकते हैं, किशमिश भी अंदर इस तरह डाल दीजिएगा, ऊपर से नहीं रखिएगा, ऊपर से वो किशमिश जल जाएगी। सो इसी में हम दालचीनी का पाउडर डालेंगे, हम इसमें चीनी डालेंगे, ठीक है, एक से दो चम्मच, हम नटमेग का पाउडर डालेंगे यानी जायफल, और ब्राउन शुगर ऊपर से जाएगी, मिक्स कर दीजिए। तो ब्रेड स्लाइसेस हैं, मक्खन, मार्मलेड, किशमिश, चार अंडे, दो एक्स्ट्रा जर्दियाँ, एक से दो चम्मच सफ़ेद चीनी, और नटमेग यानी जायफल, दालचीनी यानी सिनेमन, और फिर यहाँ दूध। एवरीथिंग हैज़ टू मिक्स टुगेदर, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए, कोई बीटर वेटर की ज़रूरत नहीं है आपको, पूरा इसके ऊपर जाएगा, फिर आप इसको सोक करने रख दीजिए पूरा, इससे पूरा इसका कस्टर्ड बनेगा। ये नहीं समझिएगा कि ये बहुत ज़्यादा है, ये पूरा सोक करेगा, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा और दूध चाहिए यू कैन ऐड। मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ, लेकिन आई जस्ट वांट टू डू दिस एंड पुट दिस टू बेक, सो एक सेकंड दीजिए मुझे। ये मिक्स कर दिया हमने दूध, दूध के साथ हम इसमें क्रीम भी शामिल कर देंगे, ठीक है, अंदर ही चला जाएगा, एंड देन जस्ट पुट दिस टू बेक। बेक करने से पहले ये जो दो चम्मच यहाँ ब्राउन शुगर आपको नज़र आ रही है ना, वो हम डालेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, थैंक यू। और ये चला गया इसके ऊपर ये इस तरह। अब आप लोग इसको घर में सोक कर लीजिएगा एक आध घंटा जरूर, और फिर ये जो ब्राउन शुगर है ये लीजिएगा, इसके ऊपर पूरी इस तरह स्प्रिंकल कर दीजिएगा और बेक करने रख दीजिएगा। चलिए आप लोग लीजिए ब्रेक। ब्रेक में अगर आपको जीतना है, ऐसे कुर्ते जो मैंने पहने हैं दो हैं टू गिव अवे, और पिज्जा पैन है एनिक्स की तरफ से, तो जल्दी से आप 888-1 पे मुझे बताएंगे ब्रेड से बनने वाले रेसिपीज के नाम। मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। हम लेते हैं ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मैं हूं ज़ारनक सिद्वा ऑन मसाला टीवी। और आज हम बना रहे हैं ब्रेड एंड बटर पुडिंग, लेकिन मामलेट के टच के साथ, सो दैट्स गॉन इन दी ओवन। इसका मैं रीकैप करूंगी, फिर हम आ जाते हैं चिकन पास्ता की रेसिपी की तरफ। उसके लिए जरा मैं थोड़ा सा तेल लेके, आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्याज रख देती हूँ मैं हल्का सा सौटे होने के लिए, फिर मैं रीकैप कर देती हूँ। सही है जी, एक चॉप की हुई प्याज है, ठीक है, ओके।
आज जो मैंने कपड़े पहने हैं वैसे कुर्ते अगर आपको जीतने हैं हमारे शो के थ्रू, दो हैं बहुत अच्छे कुर्ते, shirogroup.com है उनका पेज और वहाँ जाके आप देखेंगे तो बहुत सारे अच्छे कुर्ते हैं। उन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया हुआ है 30% ऑफ अगर आप फूड डायरीज़ या मसाला टीवी का नाम देंगे। शॉप उनकी है जमजमा में यहाँ कराची में और आप ख़रीद सकते हैं। बहुत अच्छे कपड़े हैं इनके, विंटर के लिहाज से बहुत कम्फर्टेबल भी हैं, मटीरियल बहुत अच्छा है, डेनिम है क्वाइट थिक, सो आप भी ज़रूर खरीदिएगा, जाइएगा उनकी शॉप पे। आपको अगर जीतना है तो जल्दी से मुझे बताइए ब्रेड से बनने वाले रेसिपीज़ के कोई दो तीन नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और SMS कर लीजिएगा 888 पे, ठीक है जवाब। इसके अलावा NX का पिज्ज़ा पैन भी है। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं ज़रा डिस्प्ले तो करिए ना नंबर हमारा, तो हमारे कॉलर्स भी हमें फ़ोन करें, बातें करें। अच्छा जी, ब्रेड एंड बटर पुडिंग जो हम बना चुके हैं बहुत दफ़ा अलग अलग तरीक़ों से, जितना थिक ब्रेड होगा बहुत अच्छा रहेगा, बगैट अगर आपके पास हो लंबी वाली फ्रेंच डबल रोटी जो बच गई हो उससे बना सकते हैं, क्रोसॉन से बना सकते हैं, कोई सी भी ब्रेड हो, ठीक है। तो वो ब्रेड स्लाइसेस हमने लिए थे, उसके ऊपर आपने मक्खन लगाना है, उसके ऊपर आपने मामले लगा के बीच में से काट के ऐसे रखते जाना है एक डिश में। एक कॉलर है उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम बहुत अच्छा शो है आपका, सबसे पहले तो जी थैंक यू सो मच। तारीफ करनी थी जी, फरमाइए। फर्स्ट टाइम कॉल मिली है तो थोड़ी सी हो रही है मुझे। क्या हो रही है जी? थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। कंफ्यूज क्यों हो रही है? फर्स्ट टाइम कॉल मिली है, मैंने बड़े शौक से कॉल मिलाई है। जी जवाब दे दीजिए, ब्रेड से बनने वाले कोई रेसिपीज के नाम सोचिए। जी आपने मिल्की ब्रेड रोल बनाए हैं और चॉकलेट ब्रेड पुडिंग बनाई है आपने, ठीक है, और चिकन ब्रेड रोल और चिकन सैंडविच बनते हैं जी, और ग्रिल चिकन सैंडविच एक बस, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने कॉल की, थैंक यू जी। अच्छा लहसुन जाएगा इसमें और चिकन, ठीक है, दो चिकन ब्रेस्ट फिले ले लीजिएगा और उसको चॉप अप कर दीजिएगा या स्ट्रिप्स में काट लीजिएगा, प्याज और अदरक के साथ, अदरक लहसुन के साथ या लहसुन के साथ अच्छी तरह सॉटे कर लीजिएगा। मैंने प्याज और लहसुन डाला हुआ है और चिकन है, ऑलिव ऑयल के साथ ले लें, प्लेन रेगुलर ऑयल ले लें, व्हाटएवर यू वांट टू यूज़। इसको आप सीजन करेंगे तो सीजनिंग के लिए मेरे पास नमक और काली मिर्चें हैं, नमक है, काली मिर्चें हैं और लहसुन का पाउडर है, गार्लिक पाउडर, ठीक है, ये हो गया। फिर चिकन जैसे ही हो जाएगी हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। बॉईल करके पास्ता रेडी रखा है हमने, कोई सा भी शेप ले ले, मैक्रोनी हो, पास्ता हो, पेने हो, कोई भी शेप हो, स्पाइरल वाला हो, इसी तरह प्रॉन्स के साथ बना सकते हैं, इसी तरह आप बॉयल चिकन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आई प्रिफर टू कुक द चिकन इन। शिमला मिर्च और टमेटो सॉस डाल दीजिए, केचप डाल दीजिए, पिज्ज़ा सॉस डाल दीजिए, पास्ता सॉस डाल दीजिए, एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग यू हैव। एक आध मिनट के बाद डालेंगे। अच्छा जी मैं ब्रेड पुडिंग समझा रही थी कि क्या मैंने किया था ब्रेड पुडिंग के लिए, तो मक्खन लगा दिया, मामलेट लगा दिया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने चार पूरे अंडे लिए और दो जर्दियाँ ली, अच्छी तरह बीट कर लीजिएगा, फिर आपने दूध लिया, से अबाउट टू एंड हाफ कप्स दूध लिया, ठीक है, उसमें आपने एक पूरा टेट्रा पैक क्रीम का डाल दिया 200 मिलीलीटर्स का, इसमें आपने दो चमचे भर के पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली, चीनी मैं कम इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज मामलेट काफ़ी मीठा होता है, फिर नटमैग यानी जायफल थोड़ा सा डाल दीजिएगा क्वार्टर टी स्पून जितना आप दालचीनी का पाउडर डाल दीजिएगा, सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा, तो अंडे की जर्दियाँ, दूध, क्रीम, चीनी सफ़ेद वाली और दालचीनी का पाउडर और जायफल का पाउडर, ये मिक्स करके इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर पूरा डाल दीजिएगा, ब्रेड को दबाइएगा चम्मच से, सोक हो जाए अच्छी तरह, फिर दो चमचे ब्राउन शुगर ऊपर से छिड़किएगा, अवन में रख दीजिएगा। आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग एक आध घंटा इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, अच्छी तरह वो सोक हो, जितना ब्रेड सोक होगा, सॉफ्ट होगा, बेहतरीन होगा। अब हम इसमें टमेटो सॉस डाल देते हैं, टमाटर भी आप ब्लेंड करके डाल सकते हैं, केचप डाल सकते हैं, पास्ता सॉस है, पिज्ज़ा सॉस है, कुछ भी आपको डालना हो। चिकन हमारी हो गई है, बहुत ज़्यादा ओवरकुक नहीं करिएगा चिकन को प्लीज़। अब हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा पानी और फिर पास्ता फोल्ड कर देंगे, फिर इसमें हम दोनों किस्म की चीज़ डालेंगे, चेडर या मोज़रेला डालें, ऊपर से हम पार्मेजान चीज़ डाल के रेडी करके रख देंगे। फिर हम इस रेसिपी को बनाएंगे जो है कैंडीलैंड के पार्टी पफ्स
के साथ हम बनाएंगे, लेकिन वो बच्चों के लिए मैं वेट कर रही हूँ, बच्चे आ जाएंगे तो उनके साथ हम बनाएंगे। ठीक है जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम इसमें पास्ता फोल्ड इन कर देंगे। दैट्स इट एंड दिस रेसिपी इज रेडी। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तलहा कराची से। जी तलहा बात कर रहा हूँ कराची। जी जी, आपकी आवाज तो हम पहचान जाते हैं भाई। थैंक यू मैम। जी फरमाइए। आज के सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जी, ब्रेड चॉकलेट पुडिंग बनती है जी, शाही टुकड़े तैयार होते हैं, ब्रेड क्रम्स हो गए, बिल्कुल सही, चिकन सैंडविच हो गए, इसके अलावा चिकन रोल हो गया, ठीक है, और बहुत सारी रेसिपीज बन सकती हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू, मुझे प्लीज गिव दीजिएगा। जी सबको करते हैं इंक्लूड। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। ओके जी, ये भी हो गया। आप थोड़ी सी चीज़ आपने डालना है अंदर, और थोड़ा सा फिर पार्मेजान चीज़ ऊपर के लिए रखेंगे। दैट्स इट, चिकन पास्ता रेडी। बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मकई डालें, मटर डालें इसमें, आप तीन रंग की शिमला मिर्च डाल सकते हैं। बच्चों को नहीं पसंद शिमला मिर्च, नहीं डालिए, बेबी कॉर्न स्लाइसेस में काट के डाल सकते हैं। घर में जो सब्ज़ी हो उसको इस्तेमाल करें, बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो फिर सिर्फ चिकन से बनाइए, और मैं क्या कह सकती हूँ। ठीक है, ऑल डन, इसको हम डिश में निकालते हैं और ब्रेक की तरफ चलें प्लीज़। ओके जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं, देखते रहिए हमारा शो। अगर जीतना है आपको ऐसे कुर्ते जो मैंने पहना है आज का बहुत अच्छा सा कुर्ता मुझे मिला है फ्रॉम शीरो ग्रुप .com, दिस इज़ देयर शॉप। शीरो इज़ अ ब्रांड नेम जो जमजमा में एक दुकान है, ठीक है। सो अगर आपको ख़रीदना है, आपको जाना है वहाँ, तो 30% ऑफ आपको मिलेगा मसाला टीवी का, या फूड डायरीज़ के शो का नाम लीजिएगा ज़रूर। और आज आप बहुत अच्छे दो कुर्ते हैं इन बैग्स में जो जीत सकते हैं। तो जल्दी से 8881 पे ब्रेड से बनने वाले रेसिपीज के नाम बताइए। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज, और मेरे साथ आरिज एंड अबीहा मौजूद हैं। वो हमारे साथ ज़रा हेल्प करेंगे और ये कैंडीलैंड के पार्टी पफ्स मार्शमेलोज वाली रेसिपी बनाएंगे। लेकिन पहले ज़रा पामिजान चीज़ तो डाल दीजिए चिकन पास्ता की रेसिपी पे। कौन डालेगा, आपको डालना है? चलें आप डाल दीजिए। पुट सम पामिजान चीज़ ऑन दिस, या थोड़ा थोड़ा डाल दो ऊपर। आपको पास्ता अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। और क्या खाती हो? डालो ना ज़रा, जेनरसली डालो। और क्या क्या खाती हो? पिज्जा। आजकल के बच्चे पिज्जा एंड पास्ता, बर्गर्स भी फिर तो पसंद होंगे। सी आपको भी जी देसी वेसी खाना नहीं पसंद? वो भी पसंद। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं देसी खाना, देखें। चलो एटलीस्ट दैट्स गुड। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी भी? जी। आर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट? नहीं ना अच्छा लगता आपको? अच्छा लगता है? नहीं, नहीं। आपको भी स्कूल जाना है दोनों को? विच क्लासेज आर यू इन? आई एम इन 6 एंड आई एम इन 5 एंड 6। अच्छा ओके। सारा ना मुझे चीज़ बहुत पसंद है, तो ज़रा ऐसे ज़्यादा ज़्यादा डालेंगे, ठीक है। चलो जी टेबल पर रख दीजिए प्लीज़। थैंक यू, उठा के या पुट दिस हियर, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम नाज़रीन को दिखाएंगे कि कल जो हमने मूस केक बनाया था, इट्स सेट। ये देखें, कैन यू सी दिस? अब ऑरेंजेस इसके ऊपर बस जाएंगी एंड देन आप इसको खा सकते हैं। सो ये इसी तरह ट्राई करिएगा और बनाइएगा। चलिए अब हम आते हैं कैंडीलैंड के पार्टी पफ्स की रेसिपीज़ की तरफ। सो वी आर गोइंग टू यूज़ दीज असॉर्टेड वंस। आपको अच्छे लगते हैं मार्शमेलोज? जी। टोस्ट करके खाएं कभी चूल्हे पे? नहीं खाए। अच्छा चलें खाइएगा आप, ठीक है। सो व्हाट वील डू इज़, हम इसको चॉप करेंगे। कैसे चॉप करेंगे? वील यूज़ सीजर्स। तो अभी आप कर देंगी मुझे कि मैं करूँ? मैं कर लूँगी। कर लूँगी। सो अ फ्यू कलरफुल वंस, सी इफ यू कैन होल्ड इट लाइक दिस एंड जस्ट चॉप इट, ठीक है, बी केयरफुल। तब तक हम जरा चूल्हे का काम करते हैं। यू आर अ लेफ्टी? लेफ्टीज आई हैव हर्ड आर जीनियसेस। हाँ, चॉकलेट, लॉट्स ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट किसको पसंद है? किसको पसंद नहीं है? ऐसा कोई होगा ही नहीं ना शायद जिसको चॉकलेट नहीं पसंद हो। ओके, इसमें बहुत सारा मक्खन जाएगा और हम इसमें डालेंगे पीनट बटर। पीनट बटर पसंद है आपको? जी पसंद है। चंकी वाला के क्रीमी वाला? मैंने खाया नहीं है। खाया नहीं है? खिलाऊं अभी? जी। अच्छा एक मिनट, ज़रूरी है ये, बच्चों को हर चीज़ चखाना। अच्छा है, एंडोर्स्ड। ओके गुड।
हाउ स्वीट. ओके, ये है कि पीनट बटर मुझे भी बहुत पसंद है. पीनट बटर हम डालेंगे, मक्खन डालेंगे और हम डालेंगे क्या, चॉकलेट. अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, अब हम चमचा चलाएंगे. सो आँच हल्की रखेंगे और हम चमचा चलाएंगे. या गुड जॉब. चलिए अभी हाँ, अब आप यहाँ आइए, अब आप चमचा चलाइए. चलाएंगे ना, होल्ड द पैन विथ वन हैंड. या पैन, एक हाथ से पैन पकड़ें. या और हल्का हल्का चलाइए. अच्छा नाज़रीन, इसमें जाएगा बटर स्कॉच या कैरमल एसेंस. अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, वेनिला एसेंस डाल दीजिएगा. आई हैव गॉट इट, सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट. ये जो हैं हमारे मार्शमेलोज, इनको आपने छोटे छोटे इसलिए काटने हैं कि अंदर आराम से मिक्स हो जाएंगे. ठीक है, अंदर हम मिक्स करेंगे थोड़े से, फिर बच्चों से हम ऊपर डेकोरेट भी कराएंगे. जस्ट कीप मूविंग इट, हाँ, चॉकलेट नीचे लग ना जाए. अच्छा, सो ब्रेड पुडिंग कहाँ तक पहुँचा वो भी देखते हैं ज़रा. ये देखें बेकिंग. खाएंगे आप लोग ब्रेड पुडिंग फिर जी. हुँ? आपको अच्छा लगता है ब्रेड पुडिंग जी? देख, आपको कुकिंग का शौक है जी. करती है कुछ, मम्मी को हेल्प करती हैं कभी कभार? कभी कभार के खाने का शौक है मुझे लगता है ज़्यादा, मेरी तरह. अच्छा ये देखें, व्हेन दिस इज गोइंग टू बी ऑल मिक्स्ड ना, स्मूथ हो जाएगा. पीनट बटर है, चॉकलेट है और क्या है, मक्खन. देखा जी. अच्छी तरह जब ये मिक्स हो जाएगा, चॉकलेट स्मूथ हो जाएगी, तो फिर हम इसमें ये मार्शमेलोज डाल देंगे. फिर हम एक छोटा सा डिश मेरे पास यहाँ है, मैं एक चीज़ आपको करने के लिए देती हूँ. ये छोटे से डिश को ग्रीस कर लीजिए प्लीज़ मेरे लिए. ब्रश है यहाँ एक, ये ब्रश निकालिए ब्लू वाला, थैंक यू. और आप इसको, थोड़ा सा तेल है ये लीजिए, यहाँ रखिए, इसको ब्रश करिए. चलिए या ताकि फिर जब ये हम स्क्वायर्स निकालेंगे काट के, तो वो नीचे चिपक ना जाए. ओके, अब आप घर जाके ये बना लीजिएगा, कैंडीलैंड वाली रेसिपी. ठीक है, कितना सिंपल था ना, चॉकलेट डाली आपने, इसमें मक्खन डाला, इसमें पीनट बटर डाला, एंड देन दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल मिक्स्ड टुगेदर. ये देखें पूरा स्मूथ हो गया जब, तो आपने कैरमल या बटर स्कॉच एसेंस थोड़ा सा चंद कतरे आपने इसमें डाल दिए. ठीक है, एंड ऑल दीज लवली मार्शमेलोज जो हैं कैंडीलैंड के, तेल ऑल गो इन. ठीक है, हो गया ब्रश, हो गया. ठीक है, वेरी गुड. ब्रश निकाल दीजिए, वहाँ रख दीजिए. हाँ यहाँ यहाँ यहाँ. ओके, अब हम क्या करेंगे, अभी आपको लगेगा कि ये बिल्कुल बहुत लिक्विडी है, लेकिन ये बिल्कुल जल्दी से ना सेट हो जाएगा. सो किसको भूख लगी है? मुझे. ओके, अब वी विल नॉट वेट फॉर इट टू सेट, बिकॉज हमारे पास तो टाइम नहीं है. सो हम क्या करेंगे, हम ज़रा इसको स्प्रेड ऐसे कर देंगे, और आप लोग पूरे पूरे कैंडीलैंड के जो मार्शमेलोज हैं इसमें से लीजिए, और खा भी सकते हैं और अंदर रख भी सकते हैं. चलें, पकड़िए, बैग पकड़ लीजिए. ओके जी, सो जैसे मैंने पहले भी बताया था, वी गॉट शीरो ब्रांड के शर्ट्स टू गिव अवे ऑन आर शो. जैसे मैंने आज शर्ट पहना है वैसे दो शर्ट्स हैं, और इनिक्स की तरफ से पिज्ज़ा पैन है. अगर आपको जीतना है तो 888 पे 888-8881 इस नंबर पे आप SMS करिएगा अपने फ़ोन से, और मुझे बताइएगा ब्रेड से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा. जी वेलकम बैक, हमारी सारी डिशेस रेडी हो गई हैं. ये कल वाला मूस केक था, ठीक है, जो मैंने बनाया था, इट हैज़ सेट सो वेल, और ऊपर ऑरेंजेस डाल के आप सजा के रख दीजिएगा. इफ़ यू वांट टू गिव दिस अ कलर, तो इसमें आप हल्का सा ऑरेंज रंग डालिएगा चंद कतरे. ठीक है, और आज का जो ये कैंडीलैंड पफ
मार्शमेलोज की जो रेसिपी इन्होंने तैयार की है हमारे छोटे से गेस्ट ने प्यारे से, वो रेडी हैं। आप इसको सेट होने दीजिएगा, फिर आप स्क्वायर्स में इसको काट सकते हैं। पीनट बटर भी सेट होगा, मक्खन भी जमेगा। फ्रिज में रख दीजिएगा, क्लिंग लगा के फ्रिज में रख दीजिएगा, फिर निकालिएगा। चिकन पास्ता इज़ ऑल्सो रेडी, ठीक है। ये आप इन्जॉय करिएगा विथ डिनर रोल्स या गार्लिक ब्रेड या ऑन इट्स ओन। अच्छा जी, मैं पूछना चाह रही थी कि आप लोग कोई हॉबीज़ परस्यू करते हैं, कोई हैं हॉबीज़ आपकी? जी, कभी मैं फुटबॉल खेल लेता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, कभी मैं थोड़ी सी स्टडी कर लेता हूँ। आई लाइक दैट, थोड़ी सी स्टडी करते हो। थैंक यू यार, थैंक यू। थोड़ी सी ज़्यादा भी कर लेना, ठीक है। और व्हाट अबाउट ऑल दोस क्रेजी वीडियो गेम्स, वो खेलते हो? जी खेलते हो, ऑब्वियसली। जब बोर होता हूँ। जब बोर होते हैं मतलब 99% तो बोर ही होते होगे ना। हाँ, देखा। और आप? ड्राइंग और स्विमिंग भी और बुक्स भी। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं है, वो कहते हैं हमने फ़ोन पर पढ़ लिया। होमवर्क भी फ़ोन पर हो जाता है और किताबें भी फ़ोन पे पढ़ लेते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट ये आजकल के बच्चे हैं। सो एनीवेज, लेट्स चेक आर ब्रेड पुडिंग। ब्रेड पुडिंग की खुशबू आ रही है, इट्स डन। इसका मैं अवन बंद कर देती हूँ, फिर मैं इसको निकाल दूंगी, ठीक है। ओके, इसको आप ऐसे ही ऑन इट्स ओन सर्व कर सकते हैं। कोई कैरमल सॉस ऊपर डालना है वो डाल दीजिए, या कस्टर्ड के साथ, या क्रीम के साथ, आइसक्रीम के साथ, वट एवर यू लाइक। वरना ऐसे प्लेन ऑन इट्स ओन इज़ ऑल्सो फाइन। एक झटपट रिकैप कर देते हैं। मार्शमेलो स्क्वायर्स हमने कैंडीलैंड की रेसिपी कैसे बनाई। 2 कप, ओके, देयर इज अ कॉलर, पहले उनको वेट नहीं कराते, उनसे पहले बात करते हैं, फिर मैं रेसिपी रिकैप करूंगी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जरनत? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आपके क्वेश्चन का आंसर दूं? जी जी। गुलाब जामुन बनते हैं ब्रेड से? ओके यस। वो जो उसको सोक करते हैं दूध में, और इस तरह से सैंडविचेस बनते हैं, फिर रोल बनते हैं, ब्रेड पिज्जा भी बनता है, ब्रेड के ऊपर पिज्जा रख के वो पिज्जा सॉस और वो बनाते हैं। ठीक। और चॉकलेट पुडिंग, शाही टुकड़े भी बनते हैं। बिल्कुल ठीक। ब्रेड क्रम्स तो फिर हर बहुत सारे यूज होते हैं जगहों पे। जी थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। ओके, सो 2 कप हमने पीनट बटर डाल दिया एक पैन में, उसमें हमने 1/2 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन डाला, 1 कप से थोड़ी ज़्यादा चॉकलेट थी चॉप करके डाल दीजिएगा। मैं डार्क कुकिंग चॉकलेट यूज़ करती हूँ, आप मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप मिल्क और वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या आप मिल्क और डार्क भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाटएवर। सब कुछ चमचा चलाना है आपने, बस 2-3 मिनट के बाद चॉकलेट मक्खन सब कुछ पिघल जाएगा, यकजान हो जाए, तो आप उसमें थोड़ा सा कैरमल एसेंस या बटरस्कॉच एसेंस डाल दीजिएगा, और कैंडीलैंड के ये मार्शमेलोज जो थे पफ्स, वो छोटे छोटे चॉप करके वो डाल दीजिएगा, एंड देन जस्ट सेट इट इन अ डिश। ये देखें, ये अभी ऑलमोस्ट सेट भी हो गया है, ये हिल नहीं रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर चॉप करके हमारे गेस्ट ने छोटे छोटे मार्शमेलोज डाल दिए, चॉप करके डालें, साबुत डालें, व्हाटएवर यू वांट, एंड देन जस्ट चिल दिस, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ओके, चिकन पास्ता के लिए मैंने क्या किया था? चिकन पास्ता के लिए मैंने तेल गरम किया था, आप ऑलिव ऑयल ले लें, रेगुलर ऑयल ले लें, उसमें एक चॉप की हुई प्याज डाल दीजिएगा, 2-3 लहसुन के जवे डाल के उसको सॉटे कर लीजिएगा, फिर चिकन ब्रेस्ट के 2 फिले लिए थे स्ट्रिप्स में मैंने काट लिया था, उसको सॉटे कर लीजिएगा, नमक, काली मिर्ची और लहसुन का पाउडर डाला था, वो डाल के अच्छी तरह पका लीजिएगा, बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा, टोमेटो सॉस डालिएगा, जो हम पास्ता सॉस डालते हैं वो भी डाल सकते हैं, केचप डाल दें या फिर टोमेटो पेस्ट डाल दें, टोमेटो प्यूरे डाल दें, या 2 टमाटर ब्लेंड करके डाल दीजिए। फिर उसके अंदर मैंने क्या डाला था, शिमला मिर्च डाली थी, एंड देन आप उसमें पार्मिजान चीज़ डालिए, मोज़रेला चीज़ डालिए, चेडर चीज़ डालिए ग्रेट करके, वट एवर यू वांट, जो पास्ता पहले बॉईल किया हुआ था उसको फोल्ड कर दीजिए एंड मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। पानी का लेवल चेक कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए पास्ता, थोड़ा सा उसमें लिक्विड होना चाहिए, बिकॉज पास्ता जो ये सॉस होगा ये अब्जॉर्ब कर लेगा सारा, तो फिर ये बहुत सूखा लगेगा। फ़ौरन उसको आप सर्व कर दीजिएगा ऊपर, और मज़ीद थोड़ा सा पार्मिजान चीज़ डाल के, दैट्स इट। अगर कोई और हर्ब्स डालना चाहें तो आप तुलसी के पत्ते इसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए, सॉरी टू बॉय यू, बट एक और रेसिपी एंड देन वील टॉक टू यू, ठीक है। मामलेट ब्रेड पुडिंग जो अवन में से निकालना है हमने, वो भी हमने बना दिया है, और बस दैट्स इट। अब हम ऐसे करते हैं कि बच्चों से कहते हैं कि ब्रेक ले, मैं नहीं लेती आज ब्रेक, ठीक है। सो दैट्स योर कैमरा, वहाँ देखें, कहें फूड डायरीज आप देख रहे हैं, और हम ब्रेक लेके वापस आते हैं, वहाँ देख के कहें ना टेक अ ब्रेक और कुछ बोले ना। See, we're coming back in a while. Okay, keep watching Food Diaries. Chicken pasta, 8 chicken breast strips 2 adad,
जैतून का तेल एक खाने का चम्मच, प्याज चॉप 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, कुचला लहसुन 3 चवे, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चम्मच, टोमेटो सॉस 1 कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, पार्मेसान चीज़ 1/4 कप, पका हुआ पास्ता 3 कप। तरकीब: 1 खाने का चम्मच तेल गर्म करके प्याज लहसुन और शिमला मिर्च सौते करें, फिर इसमें चिकन स्ट्रिप्स, नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर डालकर पकाएं। चिकन गोल्डन हो जाए तो टोमेटो सॉस डालकर 5 मिनट दम दें। उसके बाद पास्ता से पानी निकालकर चीज़ शामिल करके चूल्हा बंद कर दें। आखिर में पार्मेसान चीज़ छिड़क कर सर्व करें। मार्मलेड ब्रेड पुडिंग अज्जा: मोटी ब्रेड स्लाइस 8 अदद, अनसॉल्टेड बटर 80 ग्राम, मार्मलेड 200 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, अंडे 4 अदद, अंडे की जर्दी इजाफी 2 अदद, इसे चीनी 50 ग्राम, दूध 400 मिलीलीटर, क्रीम 200 मिलीलीटर, कद्दूकश जायफल 1/4 चाय का चम्मच, इसी दालचीनी 1/4 चाय का चम्मच, ब्राउन शुगर 40 ग्राम। तरकीब: ब्रेड स्लाइस पर मक्खन और मार्मलेड की मोटी लेयर हर स्लाइस पर लगाएं, फिर स्लाइस को बराबर 4 ट्राइंगल शेप में काटें और ओवन प्रूफ डिश में अरेंज करके किशमिश छिड़क दें। अब अंडे, जर्दी, पिसी चीनी, दूध, क्रीम, जायफल और दालचीनी को जग में डालकर मिक्स करें और ब्रेड के ऊपर डाल दें। उसके बाद डिश को किलिंग फिल्म में लपेट कर चंद घंटे रख दें। आखिर में ब्राउन शुगर टॉप पर डालें और 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे ब्रेड गोल्डन होने तक बेक करके सर्व करें। मार्शमेलो स्क्वायर्स अज्जा: क्रीमी पीनट बटर 2 कप, अनसॉल्टेड बटर 1/2 कप, चॉप्ड चॉकलेट 1 कप, बटर स्कॉच या कैरमल एसेंस 1 चाय का चम्मच, मार्शमेलोस 2 बैग्स। तरकीब: पीनट बटर, मक्खन और चॉकलेट को गर्म करके मुसलसल चमचा चलाएं और स्मूथ कर लें, फिर इसे चूल्हे से उतारकर कैरमल एसेंस डालकर 10 मिनट के लिए ठंडा होने रख दें। अब इस मिक्सचर को ग्रीस की हुई डिश में फैला दें, फिर इसे फ्रिज में रख दें। आखिर में स्क्वायर्स में काट कर सर्व करें। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी और मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा। वी गॉट सम क्यूट लिटिल गेस्ट हियर जिन्होंने मुझे हेल्प किया था आज कैंडी लैंड की रेसिपी बनाने में। और बस मैं एक और रिकैप कर दूं, बिकॉज आर मार्मलेड ब्रेड पुडिंग इज़ आउट ऑफ द अवन, ठीक है। इसके ऊपर आप आइसिंग शुगर भी छिड़क सकते हैं। इसी तरह बनाइएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था 1-2 घंटे आप लोग इस दूध में डाल के ब्रेड को सोक होने दीजिएगा, उससे बेहतरीन ब्रेड पुडिंग बेक होता है फिर। सो मोटी डबल रोटी हो या कोई भी ब्रेड स्लाइसेस हो, क्रोसॉन हो, कोई भी ब्रेड के स्लाइसेस पड़े हों लेफ्ट ओवर स्टेल ब्रेड से, तो बहुत ही बेहतरीन ब्रेड पुडिंग बन जाता है। तो वो लीजिएगा, उसमें मक्खन लगाइएगा, उसके ऊपर मार्मलेड लगाइएगा, फिर आप वो ब्रेड स्लाइसेस को ट्रायंगल्स में काट के इस तरह डिश में रख दीजिएगा। फिर उसके ऊपर आपने 4 अदद अंडे एक बोल में लेके फेंट देने हैं, उसमें 2 अदद जर्दियाँ आप डालेंगे, दूध डालेंगे और थोड़ी सी चीनी जाएगी, इसमें आप एसेंस डालना चाहें एसेंस डाल दीजिए। मैंने इसमें फ्लेवरिंग के लिए आज दालचीनी का पाउडर और जायफल का पाउडर डाला था। फेंट लीजिएगा अच्छी तरह, पूरा ऊपर सोक करने के लिए स्प्रेड कर दीजिएगा। बाज वक्त दूध की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो 1.5 कप्स to 2 कप्स to 2.5 कप्स तक जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि ब्रेड पूरा सोक्ड हो अंदर, ब्रेड ऊपर आ जाए सरफेस पे, तो चम्मच से उसको अंदर प्रेस डाउन कर दीजिएगा। फिर आप उसको बेक करने से पहले ब्राउन शुगर लीजिएगा, 2 चम्मच छिड़क दीजिएगा, इसीलिए इस तरह का अच्छा सा ब्राउन कलर आया है, एंड देन जस्ट बेक इट। सो दैट्स इट, वी आर डन फॉर द शो टुडे। अब इन बच्चों से आपकी मुलाकात मैं कराऊंगी थर्सडे को, ठीक है। सो थर्सडे को आप लोग मुझे हेल्प करेंगे एक और मार्शमेलो की रेसिपी बनाने में, ब्रॉट टू यू बाय कैंडी लैंड। और आज जो एनिक्स का गिफ्ट हैम्पर था वो असगर, मिसेस असगर ने जीता है, और गिफ्ट हैम्पर्स जो ये इस तरह के जो शर्ट्स हैं शीरो ब्रांड की तरफ से, अनुषा अली ने लाहौर से जीता है एक, और एक आमना ने इस्लामाबाद से जीता है। सो बिग कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, आप तक आपकी गिफ्ट्स पहुँचा दी जाएंगी, एंड आपको हम फ़ोन भी करेंगे, एड्रेस लेंगे, एंड देन जस्ट बेयर विथ अस, बिकॉज थोड़ा सा टाइम लगता है मगर सारे गिफ्ट्स पहुँच जाते हैं इवेंचुअली। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून टू फूड डायरीज, और शो देखने का शुक्रिया, कॉल करने का शुक्रिया। इसी तरह कल हमारी मुलाकात होगी, मगर हम कल क्या बना रहे हैं ये तो मैं बताना ही भूल गई आज। वेयर इज दैट पेपर गॉन, समबडी टुक माई पेपर, ओके। सो अच्छा, कल मैं, मुझे याद है कल मैं पोर्चुगीज स्टार्ट बना रही हूँ, उसके साथ एक और चीज़ है टेटर टॉट्स, यानी आलू के छोटे छोटे क्रोकेट्स टाइप होंगे, तो आप देखिएगा शो। और 5 बजे लाइव हमारा नेक्स्ट शो है लज्जत का, समीना जलील और अबील होंगे, उनका शो भी देखिएगा, इनफैक्ट हमारे सारे शोज देखिएगा, रिकॉर्डेड शोज भी देखिएगा। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और इन छोटे मेहमानों को इजाज़त, ठीक है। मुलाकात होगी अब थर्सडे को, आप मिलिएगा हमारे ऑडियंस से ऑन थर्सडे, ठीक है, ओके। दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।
मजीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।